और वक्त तो चला है बढ़ने का तीसरी एक और बड़ी खबर पर। इस वक्त की एक और तीसरी बड़ी खबर आपसे हम रूबरू कराते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज। बड़ी खबर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 200 नहीं 243 पर चुनाव की करें तैयारी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी बिहार में कर रही है 200 सीटों पर चुनाव की तैयारी और कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर आज पटना में बिहार में सबने देखी है। एक बार फिर सामने आया जेडीयू बीजेपी के बीच की तल्खी। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि 200 क्या 243 विधानसभा की सीटों पर तैयारी करे भारतीय जनता पार्टी। हमारी मुलाकात तो संसद सत्र चल रहा है तो रोज होते रहती है, प्रतिदिन होते रहती है, तो पटना में मुलाकात का क्या जरूरत है। और वो अब वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट का, 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं, 243 पर कर सकते हैं, हर पार्टी को ये अधिकार है। तो 200 क्या 243 सीटों पर तैयारी करे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना है जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का। इस खबर पर बातचीत करेंगे हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र, लाइव चैट पर जुड़े हैं। धीरेन्द्र, बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके से एनडीए में तल्खी की बातें सामने आती है, उस पर कहीं ना कहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है वो और आगे तबाही मचा सकता है, एनडीए के भीतर उफान ला सकता है, जिस तरीके से जेडीयू के अध्यक्ष ने कहा है कि 200 क्या 243 सीटों पर तैयारी करे बीजेपी। बिल्कुल रितिक, जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि बीजेपी जो है 200 सीटों पर क्यों तैयारी कर रही है, 243 सीटों पर करे, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एनडीए में जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो है इसको लेकर के बिहार में जो है सियासत गर्म है कि जो है जेडीयू और बीजेपी की जो है सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लेकिन जो है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का बयान आता है कि 2025 तक जो है जनता माइंडेड दी है तो 2025 तक सरकार चलेगी, लेकिन बड़े नेताओं का बयान कहीं ना कहीं देने के बाद ऐसा लग रहा है कि देखा जाए तो जेडीयू के छोटे नेताओं का बयान नहीं है तो कुछ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 200 क्या 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर ले बीजेपी। कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद अगर देखें तो जनता दल यूनाइटेड 2025 विधानसभा को लेकर रिलैक्स है। बिल्कुल रितिक, मैं वही बता रहा था कि जिस तरीके से छोटे नेतों का बयान आता है और जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी बात को बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है 200 क्यों 243 सीटों पर तैयारी करे, तो कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि जो है आए दिन जो है कुछ ना कुछ बीजेपी की तरफ से और कुछ ना कुछ जेडीयू की तरफ से जो है कुछ टिप्पणियां आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बाद जो है बीजेपी के जो 200 सीटों पर जो कार्यकर्ता केंद्र जो जेडीयू तैयारी कर रहे हैं और तंज कसा है, तंजात्मक लहजे में कहा है कि 243 सीट पर करने तैयारी। इससे पहले भी जब सवाल मीडिया ने पूछा था उपेंद्र कुशवाहा जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, उन्होंने तब भी कहा था कि बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो बड़बोले बयान देते हैं, इस वजह से एनडीए के भीतर घमासान मचता है। और एक बार फिर इस तरीके का बयान अब जेडीयू की तरफ से आया है, क्या लगता है इस पर बीजेपी क्या कुछ प्रतिक्रिया देगी आगे? बिल्कुल रितिक, उपेंद्र कुशवाहा के आए दिन बयान इस तरह के आते रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए के साथ गठबंधन रहेगा या किसके साथ गठबंधन रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीते दिन जो है श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, उन्होंने भी कहा कि राजनीति जो है संभावनाओं के साथ चलता है, संभावनाओं के साथ जो है राजनीति आगे बढ़ती है, तो आने वाले समय में जो गठबंधन है किसके साथ जाएगी, महागठबंधन के साथ जेडीयू रहेगी या फिर एनडीए में ही रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अभी जो है एनडीए में जो है खींचतान की जो राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये जो बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है 200 विधानसभा सीटों पर अपनी जो है कार्यकर्ताओं को उतार दिया है और जो है कहीं ना कहीं जो है जेडीयू को आंख दिखाने का भी काम कर रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो है अभी जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम चल रहा है और कल जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है बीजेपी कोटे से हैं वो भी बिहार में आएंगे और बिहार आगमन पर
बताया जा रहा है कि जो है वो 200 सीटों पर जो है तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसका इसका भारतीय जनता पार्टी ने आज दिखा दिया है। खुद बीजेपी के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो पटना पहुंचे हैं और उन्होंने संयुक्त समिति की जो बैठक स्टार्ट हुई है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसको स्टार्ट कर दिया है। और ये बिगुल बज गया, 30-31 जुलाई बीजेपी का कार्यक्रम है। और ऐसे में आज जेडीयू का भी कार्यक्रम धीरेन्द्र हमने दिखाया है, तो कहीं ना कहीं ये खींचातानी तो चल रही है। और इस तरीके का बयान जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, कहीं ना कहीं ये तंज एनडीए के भीतर कुछ भी आने वाले वक्त में तस्वीर दिखा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस खबर पर भी अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है, बीजेपी पर तंज कसा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। उन्होंने कहा है 243 सीटों पर तैयारी करे बीजेपी। चलिए फिलहाल इन तमाम बड़ी खबर में हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।